एक हफ्ते में एनकाउंटर करना पड़ेगा। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस हरिड इज जस्टिस बेरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रावल जी मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, रजनीकांत अमिताभ बच्चन की मोस्ट वॉटेड फिल्म वेटेन द हंटर, जिसे बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज 3 दिन हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस फिल्म के शुरुआती 2 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन के बारे में। तो देखते रहिए पूरा वीडियो, मैं आपका दोस्त सुमित के रावल। तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपसे एक बता दूं कि साउथ की मोस्ट वॉटेड फिल्म वेटेन द हंटर, जो की एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है टीजे ज्ञानवेल ने। वही दोस्तों, इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिल रहे हैं रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, मंजू वारियर, फहद फासिल, राणा दग्गू बाती। वही दोस्तों, इस फिल्म को 160 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया और इस फिल्म को इंडिया में लगभग 3200 स्क्रीन पर तो ओवरसीज में 2500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। यानी कि दोस्तों, इस फिल्म को दुनिया भर में 5700 स्क्रीन पर 10 अक्टूबर को रिलीज किया गया, जिसे रिलीज हुए आज बॉक्स ऑफिस पर 3 दिन हो रहे हैं। तो बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो यह फिल्म अपने पहले दिन 31.70 करोड़ रुपए का, वहीं दूसरे दिन 23.80 लाख रुपए कलेक्शन कर चुकी। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म के शुरुआती 2 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 55.50 करोड़ रुपए का। वहीं दोस्तों, बात करें इस फिल्म के तीसरे दिन यानी आज की, तो यह फिल्म आज लगभग 20 करोड़ रुपए कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म के शुरुआती 3 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 75.50 करोड़ रुपए का। तो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो रहा है 88.90 करोड़ रुपए का। तो वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है 130.40 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों, ये थे रजनीकांत की मोस्ट वॉटेड फिल्म वेटेन द हंटर के शुरुआती 3 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट। तो दोस्तों, अगर आपने फिल्म देख लिया तो हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको यह फिल्म कैसी लगी। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप भी रजनीकांत अमिताभ बच्चन सर के डाई हार्ड फैन तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस फिल्म की आने वाली सभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।